हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियंस। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एक HP M126NW प्रिंटर के बारे में, जो कि एक लेज़र जेट प्रो प्रिंटर है। दोस्तों, हमारा ये सवाल रहता है कि कौन सा प्रिंटर ख़रीदना बेस्ट है, तो ये 16,000 रुपये की रेंज में आने वाला सबसे बेस्ट प्रिंटर है। बेस्ट कैसे है, मैं आपको आगे के फीचर्स इसके बताता हूँ। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। देखिए, इसके अंदर आपको सबसे पहले एक कनेक्टर केबल मिल जाती है, जिसको आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप को प्रिंटर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करके प्रिंट दे सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको इसमें एक पावर केबल भी मिल जाती है, पावर केबल जो कि दिखने में और वैसे मज़बूत दिख रही है। इस पावर केबल को आप यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं आएगा। देन आपको यहाँ पे एक पेपर स्टैंड मिल जाता है, पेपर स्टैंड जो कि प्रिंटर में अटैच नहीं है, आपको अलग से अटैच करना पड़ेगा। मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे ये अटैच होगा। अब हम आते हैं दोस्तों प्रिंटर की पैकिंग के ऊपर। देखिए, पैकेजिंग इसकी, सबसे पहले थर्माकोल लगा हुआ है इसकी सेफ्टी के लिए, देन इसको पॉलीथीन से कवर किया गया है। इसमें देखिए मैनुअल गाइड भी आपको मिलेगा, जिसमें आप इजीली समझ के प्रिंटर को खुद भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और साथ में एक सीडी मिलती है, जिस सीडी के माध्यम से आपको प्रिंटर के ड्राइवर और आपको इंस्टॉलेशन गाइड मिल जाएगा। तो देखिए, पॉलीथीन मैंने हटा दी है, तो प्रिंटर दिखने में कुछ ऐसा है। मैं इसे प्रॉपर रख के दिखाता हूँ आपको। देखिए, प्रिंटर को आप देख रहे होंगे, इसके चारों तरफ ऑरेंज कलर की एक टेपिंग लगी हुई है। ये टेपिंग इसकी सेफ्टी के लिए लगाई गई है, ताकि डिलीवरी होते टाइम प्रिंटर में कोई इशू ना आए। तो चलिए, इसकी हम टेपिंग हटा देते हैं और देन मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रिंटर दिखने में कैसा है, अंदर से कैसा है, और इसको इंस्टॉल हमें कैसे करना है। तो देखिए, मैंने टेप हटा दी है, तो अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमें स्कैनर और फोटोकॉपी करने के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन मिलता है, और जो साइज़ है वो भी काफ़ी अच्छा है, और अपर साइड और लोअर साइड, यानी कि आप दोनों तरफ से इसमें डुप्लेक्स स्कैनिंग कर सकते हैं, आपको बार बार पेज को पलटने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इसका इनर पार्ट देखता हूँ तो देखिए, आपको यहाँ पर भी टेपिंग दिखेगी। अगर मैं इस टेपिंग को रिमूव करता हूँ तो आप देखेंगे ये है पेपर स्टैंड, जिस पे प्रिंट आउट निकल के आएगा। तो चलिए, मैं इसकी टेपिंग भी रिमूव कर देता हूँ। तो देखिए, आप यहाँ पे आप दिख रहा होगा आपको कि ये यहाँ भी एक इन्होंने मैनुअल गाइड दिया है, जिसके थ्रू आप इजीली जो भी चीज़ें इसमें रिमूव करने की है वो आप इजीली समझ के रिमूव कर सकते हैं। एक डस्टबिन का साइन भी बना हुआ है, तो हमें ये पेपर रिमूव करना है, आप उस मैनुअल गाइड से समझ के रिमूव कर सकते हैं। अंदर देखिए थर्माकोल लगा हुआ है, ताकि अंदर की इंक को कोई इशू ना आए। तो देखिए, मैंने इसमें मैनुअल गाइड जो था वो रिमूव कर दिया है, पेपर स्टैंड को बाहर निकाल लेते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि हम इसे इंक टैंक को कैसे रिमूव कर सकते हैं। देखिए, ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इजीली आपको इसे निकाल लेना है, बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है। जो क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक जो इसमें यूज़ किया गया है काफ़ी अच्छा है, तो उसके रिगार्डिंग आपको कोई इशू नहीं आएगा।
इनर पार्ट अगर मैं आपको दिखाऊं इस प्रिंटर का, तो देखिए अंदर भी काफ़ी अच्छी फिनिशिंग दी गई है। हर एक चीज़, हर एक पार्ट आपको यहाँ पे इजीली समझ में आएगा। और दोस्तों ये लेज़र प्रिंटर होता ही इसलिए है कि ये जल्दी से जल्दी काम करके आपको दे सके बाकी प्रिंटर्स के मुकाबले, और इजीली रिपेयर हो सके। तो चलिए अब हम इस इंक को दोबारा से प्रिंटर में अटैच करते हैं। तो सेम प्रोसेस है दोस्तों, आपको ज़्यादा कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आपको इजीली इसको लगाना है। अगर कहीं पे अटक रहा है, फंस रहा है, तो इसे दोबारा रिमूव करके लगाइए, पर ज़्यादा ज़ोर से मत लगाइएगा। देखिए इजीली ये एंटर हो गया और ये लग चुका है। फिर भी आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं। देखिए तो इनर पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, तो अब आप इसे क्लोज कर दीजिए। अब अगर मैं बात करूं बैक साइड की, तो देखिए सबसे पहले आपको HP का लेबल यहाँ पे देखने को मिलता है बैक साइड में भी। उसके अलावा आपको यहाँ पे स्टिकर दिखेगा एक, जिस पे आपको प्रिंटर की डिटेल्स मेंशन होंगी। देन पावर कनेक्शन का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद में आप यहाँ पे आपको कनेक्शन के ऑप्शन मिलेंगे, जिसके थ्रू आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप को या अपने वाईफाई को आप अपने प्रिंटर से कनेक्ट कर सकते हैं। अब हमें ये पावर कनेक्शन करना है, तो पावर केबल को पीछे जो ऑप्शन दिया गया था उसमें लगा दीजिए। देन ये पेपर स्टैंड है, चलिए पेपर स्टैंड को एक बार पॉलीथीन हटा के देखते हैं कैसा है, क्या मटेरियल है और इसे कैसे लगाना है। तो दोस्तों ये है पेपर स्टैंड, देखिए शाइनिंग है, बिल्कुल न्यू प्रिंटर है, और इसके ऊपर भी टेप लगी है, टेप हटा देते हैं। तो ये कुछ इस तरह से पेपर स्टैंड लगेगा, और ये एडजस्टेबल पेपर स्टैंड है दोस्तों, तो इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो दोस्तों हमने ये इंस्टॉलेशन कर लिया है, जो हार्डवेयर का इंस्टॉलेशन था, अब हम करेंगे सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्प्ले बताता हूँ। देखिए डिस्प्ले आप 3 टाइम्स यानी कि 3 बार ही आप इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं, इससे ऊपर नहीं जाती। तो ये प्रिंटर ऑन हो रहा है, देखिए वाईफाई के जो सिग्नल्स हैं वो भी ऑन हो चुके हैं। तो जब भी हम कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ लेते हैं, फर्स्ट टाइम उसे हम स्टार्ट या ऑन करते हैं, तो उसमें एक इंस्टॉलेशन मांगता है, एक सेटअप होता है। तो कुछ उसी तरह प्रिंटर में भी एक सेटअप होता है, तो चलिए उसे कंप्लीट करते हैं। अभी आपको प्रिंटर में यहाँ पे देखते हैं क्या आता है। देखिए यहाँ पे इंस्टॉल्ड का ऑप्शन आ रहा है, HP सप्लाईज इंस्टॉल्ड का, तो हमें इसे ओके कर देना है। अब ये लैंग्वेज का ऑप्शन आ रहा है, तो हमें यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, इंग्लिश। ओके यस। देन यहाँ पे लोकेशन का ऑप्शन आ रहा है, हमें जिस भी लोकेशन में हमने प्रिंटर को परचेज़ किया है उस लोकेशन को हमें यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। बहुत ही इजी इंस्टॉलेशन है दोस्तों, ये इंस्टॉलेशन जब आप कर लेंगे कंप्लीट, तो ये कंप्लीट करने के बाद में मैं आपको बताता हूँ ये प्रिंटर जो है जो कुछ इस तरह से रेडी शो करेगा आपको कि अब ये रेडी हो चुका है प्रिंट देने के लिए। बट दोस्तों प्रिंट देने के लिए ये रेडी हो चुका है, पर हमें यहाँ पे अभी एक सेटअप करना बाकी है कि हम इसका प्रिंट वायरलेस देना चाहेंगे या फिर वायर के थ्रू देना चाहेंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हम अपने डेस्कटॉप, लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन से कैसे वायरलेस प्रिंटिंग हम कर सकते हैं अपने प्रिंटर के थ्रू। तो अब हमें यहाँ पे सेटिंग का एक ऑप्शन दिख रहा है, सेटिंग में जाना है। देन आपको यहाँ पे नेटवर्क सेटअप का ऑप्शन आएगा, उसमें क्लिक करना है। देन वायरलेस मेन्यू पे ओके करना है। देन वायरलेस डायरेक्ट पे ओके करना है। अब वायरलेस डायरेक्ट आपका ऑफ है, इसे ऑन कर लेना है। अब ये सिक्योरिटी का ऑप्शन है दोस्तों, सिक्योरिटी के ऑप्शन को भी ऑन कर लेना है।
अगर आप सिक्योरिटी का ऑप्शन ऑन नहीं करोगे तो यहाँ पे एक पासकोड शो होने वाला है, ये पास फ्रेज करके, ये शो नहीं होगा, इसलिए उसे ऑन करना ज़रूरी है। तो जब आप उसे ऑन करेंगे तो ये कुछ पास फ्रेज लिखा हुआ है, इसको आप किसी पेपर पे नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। लैपटॉप की स्क्रीन में आपको नॉर्मल जैसे हम वाईफाई के ऑप्शन पे आते हैं वहाँ पे आना है, तो आपको यहाँ पे प्रिंटर का नाम विद वाईफाई दिख जाएगा, इस पे आपको कनेक्ट पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन जो पास फ्रेज हमने प्रिंटर में देखा था वो आपको यहाँ पे एज इट इज़ टाइप करना है। अगर आप ये प्रिंटर लेना चाहते हैं दोस्तों तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे डाल दूंगा ताकि आप वहां से जाके प्रिंटर परचेज कर सकें। देखिए पास फ्रेज मैंने एज इट इज़ डाल दिया है, अब हमें इसके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसको हम यस कर देंगे। तो देखिए दोस्तों हमारा ये प्रिंटर अब अपने लैपटॉप के साथ में कनेक्ट हो चुका है और यहाँ डिसकनेक्ट का भी ऑप्शन आ रहा है। तो अब हम आएंगे गूगल पे, गूगल पे आके हमें अपने प्रिंटर का नाम विद मॉडल नंबर डालना है। देन जैसे ही हम वो डालेंगे तो एक वेबसाइट है printersdriver.com करके, हमें उस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। देन हम इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको इस प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल करने का सॉरी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। करीब करीब 108 और 109 MB के बीच का ये ड्राइवर होगा, तो इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद दोस्तों हमें इसे इंस्टॉल करना है। ये 1 से 2 मिनट का टाइम इसे लगेगा इंस्टॉल होने में। अब हमें इसमें नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। देन इसमें नेक्स्ट कर दीजिए, उसे चेकबॉक्स को आपको टिक कर देना है, देन नेक्स्ट कर दीजिए। देन यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन आएंगे, डायरेक्टली कनेक्ट टू दिस कंप्यूटर यूजिंग USB केबल, आप जो केबल मिली है उसके थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट थ्रू अ नेटवर्क, और एक हेल्प मी टू सेटअप अ फर्स्ट टाइम वायरलेस कनेक्शन। तो हमें थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन ऑप्शन आएगा येस रिट्राइव द वायरलेस सेटिंग ऑन माई कंप्यूटर, हमें उस पर क्लिक कर देना है क्योंकि हम वायरलेस कनेक्शन करना बता रहे हैं आपको कि कैसे वायरलेस आप प्रिंटिंग कर सकते हैं। देन आप नेक्स्ट कर दीजिए। तो जैसे हम ब्लूटूथ ऑन करते हैं तो सामने वाले का ब्लूटूथ हम सर्च करते हैं, वैसे ही अब ये सॉफ्टवेयर हमारा प्रिंटर सर्च कर रहा है। देखिए प्रिंटर का नाम आ गया है, उसका IP एड्रेस आ गया है। तो अब हमें इस प्रिंटर को सिलेक्ट करके देन हमें नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों अब हमारा प्रिंटर रेडी है प्रिंट देने के लिए वायरलेसली। देखिए आपको डेस्कटॉप की जो होम स्क्रीन है उस पर भी आपको प्रिंटर का जो आइकन है वो देखने को मिलेगा। अब आपको कंट्रोल पैनल में जाना है, देन डिवाइस एंड प्रिंटर्स में क्लिक करना है। देन प्रिंटर्स में आपको थर्ड ऑप्शन जो मिलेगा वो हमारे प्रिंटर का है HP LaserJet, यहाँ पर आपको प्रिंट टेस्ट पेज पर क्लिक कर देना है। देखिए प्रिंटिंग स्टार्ट हो गई है और ये कुछ इस तरह से ये टेस्ट पेज निकल के आया है प्रिंटर के अंदर। आई होप दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, मैं आगे भी ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।